बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, करियर में लापरवाही इस समय बिल्कुल मत करिएगा, वरना आगे चल करके इसके परिणाम गंभीर होंगे। पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखिए। हालांकि एक बात जरूर है कि परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं इस समय, और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर कोई पारिवारिक समस्या है, बात करके देखिए, कोशिश करके देखिए, आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, और परिवार से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थी वो चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, जैसे चावल, चीनी या दूध का। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कर्क राशि, परिवार की जो भी समस्याएं थीं, परिवार से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें दूर होंगी और इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे, अगर आप थोड़ा सा इफर्ट करें, प्रयास करें तो काम सारे निपटा पाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा, अभी सेहत पूरी तरह से बेहतर नहीं है आपकी। करियर में इस समय कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, और ध्यान रखिएगा कोई कीमती सामान जैसे पैसा है, ज्वेलरी है, ये खो सकती है, लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, निर्णयों में सावधानी आपको बनाए रखना होगा। धन की जो मुश्किल है वो मुश्किल निश्चित रूप से हल होगी, धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत भी फिलहाल इस समय दिख रहे हैं। अगर किसी निर्धन को आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल का, चीनी का, दूध का, तो आपका दिन बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, नए काम की शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इस समय आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर बनी रहेगी। इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान करें तो आपको कामों में बहुत सारी सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। शत्रु और विरोधी आपके इस समय शांत होंगे, परास्त होंगे। संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी और संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, अपने डाइजेशन का और अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान रखें। काम की अधिकता से थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, हालांकि किसी मित्र के सलाह से, सहयोग से आपको लाभ भी होगा। भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर देंगे तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी और इस समय करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं दूर होंगी। परिवार में इस समय खुशहाली आ रही है, यानी आपका दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को, गरीब आदमी को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर में कुछ बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं और जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वो समस्याएं इस समय धीरे धीरे हल होंगी। किसी निर्धन को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल का, चीनी का, दूध का, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।